मित्रों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिर्जापुर में। मिर्जापुर का वो पावन स्थल जो आपको बता दूँ कि विंध्याचल नगरी है, और इस वक्त हमारे साथ है आकांक्षा दुबे की माँ। एक बात मैं और आपको बता दूँ कि ये वही स्थान है जहाँ आकांक्षा दुबे का जन्म हुआ है, और ये आकांक्षा दुबे का ननिहाल है। यहीं बगल में माता शीतला का धाम है और यहीं इनका मायका भी है, और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब इनसे हम जानकारी लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी काफ़ी समय बीत गया है, जैसे 40 से 45 दिन तकरीबन हो गया है, अभी तक आकांक्षा दुबे की माँ लगातार ये कह रही हैं कि अपराधियों को सजा मिले और हमारी बेटी को न्याय मिले। माता जी, ये बताइए क्या न्याय अभी तक क्या सुनवाई हुई है? कुछ नहीं हुई है सुनवाई। कुछ नहीं हुई है। अभी खाली समर सिंह और संजय सिंह खाली गिरफ्तारी हुई है। संदीप सिंह अनुराधा का भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है जी। कि जबकि अनुराधा को सम्मन भेजा गया था, आज हो गया महीना से ऊपर, अभी तक अनुराधा हाजिर नहीं हुई। तो प्रशासन से मैं वही बोल रही हूँ कि भाई इतना दिन हो गया, आप सम्मन भेजे, अनुराधा नहीं आई, तो फिर अभी आगे कार्रवाई क्या है कि आप सम्मन फिर से भेजेंगे कि आप स्वयं जाएंगे अनुराधा को तलब करके लाएंगे और उससे पूछताछ करेंगे। संदीप सिंह को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार, जबकि संदीप सिंह के मोबाइल से अवैध पिक्चर और अवैध वीडियो भी मिले हैं जी, तब भी प्रशासन उनको छोड़ दी है। क्या कारण से इसमें क्या कारण हो सकता है? या वो बहुत पैसे वाले हैं, या उनके ऊपर किसी नेता विधायक या बड़े लोगों का है तभी तो छोड़ रहे, डर रही प्रशासन संदीप सिंह को पकड़ने में, तभी तो डर रही प्रशासन जी। जब अवैध पिक्चर अवैध वीडियो मिलने के बाद में वो प्रशासन को तो इतना पता है कि वो लड़कियों की सप्लाई करता था जी। कुछ तो उसमें एविडेंस मिले होंगे, तो फिर प्रशासन क्यों नहीं पकड़ रही, बड़ा होगा तभी तो। कुछ समय पहले एक वीडियो आया था दिनेश लाल जी का, उसमें ये कहे थे कि अगर कोई भी अपराधी होता है उसकी जन्म कुंडली होती है मोबाइल, अपराधी हो या कोई भी हो, कहते हैं इस वक्त जो भी है मोबाइल उसकी जन्म कुंडली होती है। तो आकांक्षा दुबे का मोबाइल अभी तक अनलॉक क्यों नहीं किया गया है? मैंने वही परसों पूछी फोन करके ना कि सर मेरी लड़की का बिस्तरा रिपोर्ट अभी तक नहीं आया, और फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं आया, और मोबाइल मेरी लड़की का लॉक खुला कि नहीं खुला अभी तक, बोलते अभी नहीं, आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं आपके वकील से बात करूंगा, वो एक लेटर डालेंगे, फिर मैं उनको सारा चीज दे दूंगा। ऐसा कौन बोला? विवेचक। विवेचक क्या नाम है विवेचक का? विवेचक का नाम अजय कुमार यादव है। अजय कुमार विवेचक जो आकांक्षा दुबे का केस देख रहे हैं, और इन्हें ये कहते हैं कि हमारे पास फोन मत करिए, हम जो भी कुछ होगा हम वकील को दे देंगे और उन्हीं से हम बात कर लेंगे। आप फिलहाल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके केस को दबाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है अब? हाँ, दबाया जा रहा है अपराधी को भी। जब मैं बोलती हूँ संदीप सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हो, अनुराधा को क्यों नहीं अभी तक तलब किए, सब सारे अपराधी क्यों नहीं पूछताछ, बोलते अरे सब निर्दोष हैं, वो लोग कुछ नहीं, मैं पूछताछ लिया वो लोग सब निर्दोष हैं, ऐसे कैसे निर्दोष हैं? आप प्रशासन इस तरीके का कार्य कर रहे हैं कि एक ही पक्ष को बुला के पूछताछ कर ले रही है? आपको भी बुलाना चाहिए उस वक्त जब उनको बुलाते हैं। मैंने बोला ना कि सर आप बुलाते हैं, ठीक है मैं भी आ रही हूँ थाने, मैं आ रही हूँ मेरे सामने बुलवाइए, बोलते ऐसे कैसे बुलवाऊं, आप जाइए खुद ढूंढ के लाइए, न्यायालय को बोलिए ढूंढ के लाइए। मतलब आप जाएंगे ढूंढने? हाँ। और आप मतलब आप न्याय के लिए दौड़े या उनको ढूंढने? हाँ, के लिए दौड़े? मैं ढूंढने जा, मेरी लड़की की हत्या हुई है और मैं हत्यारे जाऊँ ढूंढ, ठीक है मैं, जब मैं हत्यारे ढूंढ तो आप लोग को क्यों कानून बैठाया है जी? आप लोग को कानून क्यों बैठाया है जी? काहे के लिए बैठे हो? सुरक्षा के लिए बैठे हो ना जी? गुंडागर्दी खत्म करने के लिए बैठे हो ना? अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बैठे हो ना? लड़कियों की सुरक्षा के लिए हो? बहू बेटी घर से निकल रही, कहाँ कौन छेड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी है ना आप लोग के ऊपर। कुछ समय पहले आपके ऊपर आरोप लगा था कि आप अपनी बेटी के न्याय के लिए नहीं पैसों के लिए लड़ रही हैं, उस पे क्या कहेंगी आप? मैं पैसों के जो बोल रहा है भाई उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है जी। मैं पैसे के लिए रनिया के लिए लड़ाई नहीं, और मेरा सबसे अनमोल चीज जी पैसा, मैं लेके क्या करूंगी? पैसा लेके
चार दिन खाऊंगी, ये करूंगी, पैसा तो मेरी रनिया वापस नहीं आएगी ना जी। मेरी रनिया वो रहती तो कितना कमाती, और वही लोग हैं उनके ऊपर आपके ऊपर लांछन लगाए हैं जो उस समाज थे से, जो भोजपुरी इंडस्ट्री से थे, वही लोग आपके ऊपर लांछन लगाए हैं कि आप इस तरीके का काम कीजिए। नहीं, मैंने बोला है, मैंने जैसे मुझसे पूछने लगे सब, कह रहे नहीं माता जी फिर भी बताइए, तीन साल से समर सिंह पैसा नहीं दे रहा था, तब भी कितना पैसा होगा? तो भाई मुझे तो नहीं, मैंने बोला मुझे तो नहीं पता मेरी लड़की कितना लेती थी, मुझे नहीं पता है कि मेरी रनिया कितना लेती थी। बोले नहीं फिर भी अंदाजन बताइए, नहीं फिर भी अंदाजन बताइए, ये बनारस में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो मैं मेरे मुंह से निकल गया कि भाई हो गया 1-2-3 करोड़। अब कोई 3 करोड़ बोल रहा है, कोई 5 करोड़ बोल रहा है, मैंने मांगा है क्या? मैंने मांगा नहीं है, जैसे पूछ रहे हो तो ऐसे मुंह से बोल दिया है, मैंने मांगा नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे मेरी लड़की का न्याय चाहिए। हाँ, ये भी कहते हैं कि मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र बनारस है, वाराणसी, इस जगह पे आपकी बेटी की हत्या हुई है, हत्या कह सकते हैं, तो फिलहाल आपको वहाँ भी न्याय नहीं मिला, तो कहाँ आपको न्याय मिलेगा? अब मुझे मिलेगा बाबा योगी आदित्यनाथ के वहाँ पे जाने के बाद, इलेक्शन है, इसके बाद मैं जाऊंगी। मैं अभी फोन पे न्यूज पे बाबा मुझे नहीं देख रहे हैं, मेरी आवाज नहीं सुन रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, तब शायद देखे मुझे, मुझे पहचाने, मेरी गुहार सुने, शायद न्याय करे। मुझे पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कि आरोपियों को सजा होगी, मेरी लड़की को न्याय मिलेगा। कोर्ट ये भी कह रही थी कि आपकी गवाही ले जाए, आपकी बातें सुनी जाए, क्या ऐसा हुआ अभी तक? नहीं हुआ, नहीं हुआ। 164 का बयान अभी मेरा नहीं लिया गया है, और कोर्ट से मंजूरी भी हो गई है कि भाई इनका बयान लिया जाए, अभी तक मेरा बयान नहीं लिया गया है। अभी कुछ समय पहले आप कह रही थी कि वहाँ के जो अधिवक्ता हैं या लोग हैं, वो लोग कह रहे थे कि आपका बयान हो चुका है। हाँ, बोल रहे हैं कि आपका बयान हुआ है, मेरे पास आ जाए, मैं भी प्रूफ रखूंगा, ये करूंगा। तो भाई जब मैंने जो अच्छा मेरा बयान हुआ, तो मैंने जो लिखाया है वो तो किसी से, तो आप तो केस दर्ज नहीं किए हो, 306 का दर्ज किए हो, किस आधार पे? मैंने बोला मेरी लड़की की हत्या हुई है, मेरी लड़की को मारा गया है, मेरी लड़की को मारता था, पीटता था, सताता था, पैसा नहीं, कहाँ लिखे हो जी? वो सब के धारा के हिसाब से कहाँ आप लिखे हो? इन्होंने अपने तरह से मेरी साइन कही नहीं, मैंने साइन नहीं किया है, मेरा किस लिखा नहीं गया, तो मेरा साइन कहाँ होगा? मित्रों, आपको